वैकेंसी है वो खुद अपने आप में सेक्शन 375 है, और ये जो हादसा जो फिल्म में दिखाया गया अपने आप में इतना ड्रामेटिक है कि उसको ऊपर से कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की कोई हमको जरूरत लगी नहीं, अपने आप में ही इतना वो पेचीदा और इंटरेस्टिंग था दैट वी स्टक टू व्हाट द लॉसेस वी वेंट टू द रिसर्च वी लाइक कुमार जी सेड वी मेटलर ऑफ लॉयर्स. और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बहुत ही अनबायस तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट करना चाहते थे. तो जो ऋषा का कैरेक्टर है शी इज फाइटिंग लॉफुली फॉर व्हाट शी थिंक इज राइट, अक्षय जी कैरेक्टर इज फाइटिंग लॉफुली फॉर व्हाट ही थिंक्स इज राइट. तो इसमें सिर्फ फालतू का आर्गुमेंट ड्रामा बढ़ाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया है, बट बिकॉज लॉ को इतना हमने ध्यान से पढ़ा तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको बहुत फ्रेश लगेंगे, बहुत पेचीदा लगेंगे, जो नॉर्मली हम लॉ की फिल्मों में रेटोरिक ज्यादा होता है, डायलॉगबाजी ज्यादा होती है, बट इसमें मुद्दा है, हर एक आर्ग्यूमेंट में एक मुद्दा है. सो दैट वी स्टेट वेरी ट्रू. जी, हमें ये जो पेपर आप लोगों ने दिया मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या जो 375 है उसमें ब्रूटल रेप और रेप दोनों का एक एब्सोल्युटली सजा अलग अलग हो जाती है. जैसे अगर निर्भया कर ले तो उसकी तो डेथ हो गई, वो गाइड रेप है और ब्रूटल है. तो जो इसमें अलग अलग सबसेक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि इफ इट इज मोर देन वन पर्सन तो क्या सजा है, इफ देयर इज फिजिकल असॉल्ट इन्वॉल्व, जैसे मारा गया निर्भया को या जो भी असॉल्ट उसके साथ जितना खतरनाक असॉल्ट हुआ, दर्दनाक असॉल्ट हुआ, तो सजा बढ़ती जाती है. इन द एंड डेथ पेनल्टी है, विच इज व्हाट वाज गिवन टू आई थिंक 4 पीपल हु वर कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग निर्भया. तो जैसे जैसे आपके क्राइम का ग्रूसमनेस बढ़ती जाती है, सजा बढ़ती जाती है. ओके, थैंक यू. एक्सेप्ट फॉर द जुवेनाइल, एक हम सबको मालूम है कि एक लड़का 17 साल का था, जब तक केस चल रहा था वो 18 का हो गया, लेकिन फिर भी बिकॉज लॉ डिमांडेड दैट ही बी ट्राइड एज अ जुवेनाइल उसको 3 महीने के बाद छोड़ दिया गया. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फिल्म रेजेस, तो वाज जस्टिस डन और नॉट, बिकॉज लॉ कहता है कि इसको छोड़ दो, बट पूरी कंट्री चाहती थी कि इसको भी दूसरों के साथ फांसी दो. तो क्या जस्टिस हुआ, क्या लॉ फॉलो किया गया? लॉ फॉलो किया गया, बट वॉज जस्टिस डन? सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है. दिस इज़ हीना कुमावत फ्रॉम आवाज़.com. अभी हमने देखा और उन्होंने भी बात की कि इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं. हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और हमें लगता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इस बात की जानकारी या बताना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्कूल एजुकेशन से ही भले ही हायर स्टडीज से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों में भी अवेयरनेस हो कि क्या है ये सेक्शन? सेक्स एजुकेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आई डोंट थिंक एनी बडी विल डिसएग्री कि अब जब से डेटा फ्री हुआ है, यू हियर ऑफ दीज केसेस के जुवेनाइल्स ने गैंग रेप करके वीडियो अपलोड कर दिया. रेप वीडियोज़ आर वेरी पॉपुलर ऑन पॉर्न साइट्स. सो इन द एब्सेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन, यंग बॉयज यंग गर्ल्स विल टर्न टू पोर्नोग्राफी for sex education. That is such a skewed way of looking at the world. That is so wrong at a very base level. Is cheez ko rectify karne ke liye, it's all the more important to have a discussion, whether at home, agar aap comfortable nahi hai apne bachcho to school mein baat kijiye. Mere school mein tha sex education and it really helped. We had a great relationship with between boys and girls. It was a co-ed school. और बहुत फर्क पड़ता है आपकी ओवरऑल लाइफ और अपब्रिंगिंग पे. तो ये ज़रूरी है. मुझे ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो लॉयर्स पढ़ते ही हैं. पर यह तो बहुत बेसिक बात है कि रेप या मॉलेस्ट या असॉल्ट करना गलत है और ये सब जानते हैं, पर बावजूद इसके जो लोग करते हैं उनके दिमाग में भी कुछ एक मतलब जैसे क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, एक प्रवृत्ति होती है, उस चीज को एड्रेस करने के लिए आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल. ऑल्सो नॉट ओनली इन स्कूल मैम, आई थिंक इवन इन द हाउस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर गर्ल्स आर बीइंग मोलेस्टेड बाय देयर ओन रिलेटिव्स एंड पीपल हु आर नोन टू देम. इनफैक्ट 98% ऑफ द केसेस दोज जहां पे जो मोलेस्टर था या असॉल्ट करने वाला था विक्टिम का जानने वाला था, तो वो घर पे भी आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी. They should know the signs, they should know how to report abuse, they should be able to recognize abuse and not fear ke relative hai ya koi bhi hai jo bhi hai. Is film ye aane ke ye script aane se pehle aap log jante the ki section 375 kya hai?
फ्रैंकली मैं नहीं जानता था. तो आई व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई रेड अबाउट इट एंड दैट्स हाउ माय एजुकेशन स्टार्टेड. आई डिड नॉट नो. अर्चा यू अक्षय आप एग्जैक्टली रेप का होता है 375, मर्डर का होता है ये नंबर, किसी और क्राइम का वो नहीं मालूम था, लेकिन रेप की रेप का लॉ है वो तो सब जानते ही है. आई थिंक इस साल अब क्या होगा ना, आर्टिकल 15, 420, 377, 375, ये सब अब सिनेमा एजुकेशन का काम करेगी, तो जो नहीं भी जानता होगा उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा. अच्छा, इस सेक्शन में मी टू भी आता है जो इतना बवाल मचा पिछले दिनों. We have not categorically, you know, tried to target that movement because no movement should be, you know, judged. Right now, it's just, you know, अभी इंडिया में वो अभी एक परचम पे नहीं पहुंची है, वो कहीं पहुंच रही है तो हमने उसको नहीं छेड़ा है, ठीक है. The case might seem similar to you कि एक फिल्म डायरेक्टर है जिसने अपने एक जूनियर असिस्टेंट के साथ allegedly रेप किया है and the crux of the story is finding out the truth and truth, there's a famous saying, as usual lies somewhere in the middle. So the film does not take any sides, neither the girls or the boys. It's completely unbiased view, and when both are right and you cannot decide the case, then what does law tell you to do and how do you tackle that? So that is the central question that the film asks. इतना मैं स्ट्रैटेजाइज नहीं करती और मुझे नहीं लगता कोई भी इतना सोचता है. एक्चुअली अच्छी स्क्रिप्ट्स आर सो फ्यू एंड फार बिटवीन दैट व्हेन यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट आपको अपने आप एक लालच होता है. और जब मैंने और एवरीबडी ऑन द स्टेज इज समबडी आई वांटेड टू वर्क विथ एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंड आई डीपली एडमायर. सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऐसा, देखिए मेरे सारे कैरेक्टर काफ़ी अतरंगी होते हैं, कभी डॉन होते हैं, कभी गाली बकने वाले, कभी रुआसी. मतलब ये मुझे पहली बार लगा थोड़ा नॉर्मल है, मतलब सिर्फ एक लॉयर है, कोई पिंप या ड्रग डीलर नहीं है या गाली देने वाली लड़की नहीं है. तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो. और जहाँ तक एक किरदार का सवाल है, मैंने कोई भी लड़की इसके साथ रिलेट करेगी. व्हाई डू फाइट सो अग्रेसिवली फॉर समथिंग यू बिलीव इन इन इज रॉन्ग, समथिंग यू बिलीव इज राइट. क्योंकि एज अ वुमन यू कैन रेजोनेट कि हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, वी ऑल हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ हरासमेंट. तो वो जो चीज़ है ना, वो एक एंगर और एक एक ज़्यादा जोश देती है. मेरा एक बात तो मेरा सेट पे ब्रेकडाउन भी हो गया था, क्योंकि पता नहीं डायलॉग बोलते बोलते एक चीज मुझे ऐसे छू गई कि मुझसे आगे बोला ही नहीं गया. देन अजय एंड दे आर सो नाइस, इन्होंने अर्ली लंच ब्रेक, यार जाओ खाना खा लो. तो मैं रोध हो के आराम से, व्हेन आई वाज रिलैक्स्ड आई केम बैक इनटू द सीन. बट इट वेरी चैलेंजिंग रोल. और मैं इसमें मुझे इस फिल्म में, इस सब्जेक्ट में और अपने किरदार में यकीन है. अजय सर, आपके सामने विकास फाउंडेशन. जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमने देखा भी इस अभी जब ट्रेलर हम लोग देख रहे थे तो उसमें दूसरा पहलू हम लोगों ने जो देखा वो ये कि कभी कभी इस सेक्शन को जो है वो ढाल भी महिला कभी कभी बना लेती हैं, जो सही नहीं होता. उस तो उस एंगल को भी सर कितना आपने इस फिल्म में दिखाया है और क्या उसका सुझाव क्या है? एक सवाल ये है और दूसरा फिर मैं जी वो भी अभी पूछ लीजिए. दूसरा सर थोड़ा फिल्म से अलग है इसलिए पहले देखिए. इन द वर्ल्ड ऑफ लिटिगेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन आदमी एग्जैक्टली सच बोल रहा है, कौन आदमी एग्जैक्टली गलत बोल रहा है. लाइक ये वेरी राइटली सेड कि सच कभी पूरा सफ़ेद नहीं होता और झूठ कभी पूरा काला नहीं होता. शायद इसीलिए लॉयर्स काला और सफ़ेद दोनों पहनते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको भी थोड़ा पैंतरेबाजी करनी पड़ती है. बट द जोक्स असाइड, दे हैव डेफिनेटली बीन केसेस दैट हैव कम टू लाइट वेयर अ वुमन हैज यूज्ड दिस एज अ वेपन एंड बट द मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू नो आर नॉट दैट. ओके, दैट इज व्हाई द लॉज स्पेशली आफ्टर द निर्भया
incident in 2013, the Criminal Law Amendment Act came, and a lot of changes were made to the law, which were very strong to protect the women. Now, there is a, whenever you do something like that to protect one side, there always is a small possibility that the other side might misuse it. That's, you just have to live with that damage. That's collateral damage. So, it's not that. जी और दूसरा सवाल अक्षय सर आपसे भी है और ऋषा आपसे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो हमारे हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ हिंदुस्तानी फिल्मों को जो है वो बैन कर दिया गया है लेकिन अभी देखा गया कि कुछ सिंगर जो हैं वहाँ परफॉर्म करके आए हैं उनको लेकर सवाल उठा है तो क्या रिएक्शन एक अगर खाली रिएक्शन आप लोग दे पाए क्या क्या कितना सही लगता है कि जब पड़ोसी मुल्क बैन करता है और उसके बावजूद सिंगर वहाँ पर जाते हैं और परफॉर्म कर कर आते देखिए मेरा बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं वो प्यार की बात करते हैं अमन की बात करते हैं हमारा एक कॉमन कल्चर है मैं पंजाबी हूँ बुल्ले शाह हम इस तरफ भी गाते हैं उस तरफ भी गाते हैं मुझे लगता है आर्टिस्ट को बैन करते हैं लोग इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट दोस्ती करवा सकते हैं दोस्त उसकी वजह कुछ और है कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए यू हैव टू स्टॉप सीइंग यू नो यू हैव टू सी द अदर साइड इज ह्यूमन तो सबसे बड़ा पहला विक्टिम जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का वो आर्ट और ह्यूमैनिटी होती है देखिए ना क्रिकेट है गाने हैं ये सारी चीजें जब लॉ टेररिज्म अटैक सिटीजन्स आपस में मुझे लगता है अमन और शांति चाहते हैं इट्स ऑलवेज एंटी सोशल एलिमेंट्स टेररिस्ट्स evil minded people जो ऐसे chaos को create करते हैं तो मैं इस पर मेरा कोई stand नहीं है मुझे लगता है हालात है वो हवा का रुख बदलेगा तो हालात भी बदल जाएंगे मुझे ऐसा लगता है मुझे हमेशा लगता है कि artist अपने दिल से गाना गाते हैं film बनाते हैं poetry लिखते हैं हम कहाँ किसी से दंगे फसाद की बात करते हैं artist तो सिर्फ प्यार की बात करते हैं अक्षय सर आप भी अगर reaction दें इस पर तो ये तो पॉलिटिक्स है हम इस पे ऊपर क्या हम बोले सो आई थिंक दैट्स सेइंग अ लॉट हाय रिचा हाय अक्षय दिस इज रवि मैं एक्टर्स से पूछना चाहूंगी कि ये जो बॉलीवुड में मी टू का जो ये चला हुआ है तो काफी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है जो जिन पे अक्यूज्ड है मी टू के उनके साथ काम नहीं कर रही है जैसे कि हाल ही में दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया लव रंजन के साथ फिल्म करने से तो आप लोग का इस पे क्या टेक है और आपने इसके बारे में क्या सोचा है कि क्या आप कंफर्टेबल होंगे इनके साथ काम करने के लिए या नहीं हर केस अलग अलग होता है एवरी केस इज डिफरेंट केस के ऊपर जाना चाहिए ज़्यादातर जब आप किसी के साथ काम करें एज अ डायरेक्टर एज अ कोस्टा तो काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को मतलब दोस्ती हो जाती है एक दूसरे को समझते हैं तो यू अंडरस्टैंड अ पर्सन यू अंडरस्टैंड कि ये बंदा या ये औरत इस चीज़ का केपेबल है कि नहीं है तो आई सपोज एवरी पर्सन विल टेक देयर ओन डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऐसा जनरलाइज नहीं किया जा सकता है And one thing I want to say to this, like, you know, just put, imagine, hypothetically speaking, the organization where you work for, anybody else works for, one of the sort of senior guys is accused of a Me Too, all right? So would you stop working for that organization? It's a job, right? Would you stop working? I put the question to you. So it's very difficult, right? You would not, so. Sir, corporate. पर मैं मतलब मीडिया भी जाती है ना मीटियो अक्यूज्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैं माइक उस तरफ भी टर्न करूं तो आपको अपने किरदार में झांकना पड़ेगा बात यह है कि जब तक लीगली गिल्टी इनोसेंट प्रूव नहीं होता मीडिया में ट्रायल चलाना ट्विटर पे ट्रायल चलाना अलग बात है मैं उन केसेस की बात कर रही हूं जहां एक या ए, ए, एक या दो एलिगेशंस है उनकी बात नहीं करी जहां 19-20 लोग सामने आए हैं दैट द वॉल्यूम ऑफ द पीपल हु आर सर्वाइवर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ पर ये एक सोशल प्रॉब्लम है हम सबको इसे एड्रेस करना होगा और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन लिंच मॉब बना के किसी का करियर ठप कराना अगर किसी पे एलिगेशन लगी है आप जितना भी चाहो वो मुरझा के मर तो नहीं जाएगा ना वो जिंदा रहेगा उस चीज को कैसे एड्रेस करें इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड जनरल रूल नहीं हो सकता
I think I would agree to her. I would not judge anybody just because he's been accused. Court of law hai hamara judge karne ke liye who's right and who's wrong. So jab unhone jab wo accused ko bolenge yeah he's guilty, then we all have something to say or talk about. But what is happening right now, we don't know what is true and what's not. The entire Twitter trolling which happens on accused and people putting anonymous post, it's just not right. And people are suffering. I mean, they are really suffering in their careers. So I think that's wrong. Just, I think we have court to decide this and we should just leave it to them. We should trust our courts, our justice system. Akshay and Richa, this is Ravi from ABP News. आप दोनों से सवाल है कि आज भी जब रेप विक्टिम को न्याय दिलाने की बात होती है तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वही उसे सपोर्ट नहीं करता है. जिस तरह से लीगल सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन लेवल पे जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, और लड़की, दूसरा पहलू ये भी है कि लड़कियों को ही स्टिग्मेटाइज किया जाता है. अगर लड़की सामने आती है, पुलिस स्टेशन जाती है, अदालत जाती है, तो हमारा समाज जिस तरह का समाज है, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग भी ऐसी है कि हम लड़कियों को ही एहसास कराते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है. तो इस ये जो सोच है लोगों की, आज भी नहीं बदली है, उसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, ठीक है. रेप भी आदमी करता है. अभी तक मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा कि औरत ने रेप कर दिया हो. तो एक सोशल अरेंजमेंट है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसमें विक्टिम शेमिंग ये फ्रेज ही इसलिए आया है क्योंकि लोग लड़की से पूछते हैं, तुम क्या कर रही थी, तुमने क्या पहना था, तुमने, डिड यू आस्क फॉर इट. एंड वी हैव टू चेंज आवर ओन एटीट्यूड towards this crime which carries so much social stigma. हम रेप के लिए ऐसी चीजें बोलते हैं कि इसकी इज्जत लूट ली, इसकी नाक कट गई. इज्जत तो उसकी लुटती है कि जो जिसने अपना आपा खोया है, जिसने who lost control. We all have to change our attitude. जिस दिन ये attitude change होगा ना, तो rape victim का चेहरा नहीं blur होगा, उसके साथ जो आरोपी है उसका चेहरा ब्लर होगा. दैट इज द बिग डिफरेंस. वी ऑल हैव टू मेक दिस चेंज. वेल सेड. अक्षय, कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? आई थिंक शी सेड इट मच बेटर देन आई कुड हैव सेड इट. थैंक यू. एक सवाल, एक दीवानगी ज्यादातर थ्रिलर थी. I was playing a lawyer, but the film was more of a thriller genre. This is a proper courtroom drama. So, ये मैं पहली बार try कर रहा हूँ, experiment कर रहा हूँ, और काफी जबरदस्त experience रहा क्योंकि दुनिया ही अलग है. और जब हम बाहर से उसे देखते हैं तो कुछ और मतलब नजर आता है, और जब आप खुद उस दुनिया में as an actor भी आप जब घुसते हैं तो you just learn a lot and you experience a lot of emotions and thoughts and ideas that maybe you would have not previously. But having said that, the story is so not only topical but relevant no matter which year you're living in, because it's something that's happening all the time. And how these kind of cases are looked upon, whether you are part of the defense or you're part of the prosecution, or whether you are a judge or whether you are a normal person in the public viewing it on TV or reading the papers. So all the angles have been taken into consideration in the writing. So it gives you, the film gives you a holistic view of one particular case. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई थिंक फॉर द ऑडियंस एंड स्पेशली फॉर अस एक्टर्स इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस. रेचा, हियर या बिहाइंड, आई विल कम टू यू. हाँ, इसका वैसे हमारी फिल्म से कोई लेना देना है नहीं. मैं अपने आप को इन दोनों मुद्दों पे ज़्यादा एजुकेट करके आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है.
कोई भी चीज़ वो इमिजिएटली होती है उस पर ऐसे फास्ट फूड की तरह हम रिप्लाई नहीं कर सकते. उसका रैमिफिकेशंस क्या है, अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा उस पर. मतलब मेरा यह मानना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी नीयत से की गई हैं और मैं यही मानना चाहूँगी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह का कुछ इन्वॉल्व नहीं है. और मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा हम लाचार नागरिक कर क्या सकते हैं. ठीक है पाठक जी आप एक सवाल आप दोनों से. रिचा, वी नो यू एज अ वेरी वोकल पर्सन, यू ऑलवेज शेयर योर व्यूज. तो आपका ये इस फिल्म में आपका जो ये जो कैरेक्टर है, आपके कितने खुद के इनपुट्स थे या नहीं थे, और यू हैड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ यू नो लाइक द लैंग्वेज ऑफ लॉ. There is a language of law. There is जो terms हम use करते हैं, जैसे कि story. Story is a technical term in law. Theory is a technical term in law. Tainted evidence is a technical term in law. So these things Ajay had to educate me with, and I was really happy to learn that you know so much is going on in a courtroom. मतलब तर्क वितर्क की बात. आई कैन रेजोनेट विद दिस कैरेक्टर पर्सनली बिकॉज आई फील लाइक आई हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस. बट ऑल द टेक्निकल असिस्टेंस दिस गाय. और रिसेंटली यू नो वी सॉ नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर्स अनाउंस हुए थे परसों. लॉट ऑफ गुड फिल्म्स हैव गॉट अवार्ड्स. काफी अच्छी फिल्म्स के विद गुड सब्जेक्ट्स हैव बीन अप्रिशिएटेड. हाउ इम्पोर्टेंट इज द एनकरेजमेंट बाय अ प्लेटफॉर्म लाइक नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर फिल्म्स लाइक परहैप्स इन आर्टिकल 15 और दिस पर्टिकुलर फिल्म. यू नो जो एक एनकरेजमेंट मिलना चाहिए ऐसे फिल्म मेकर्स को, वो कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे. एक ऑडियंस के एनकरेजमेंट से बड़ा एनकरेजमेंट कोई नहीं होता. The audience encourage कर दे, we'll be very happy. अक्षय आप कुछ कहना चाहेंगे, you know, on this? He said it correctly, but when your own country gives you an award, I think that's the ultimate, you know, award to get. पाठक जी आपने और अजय जी ने बहुत अच्छी कहानी लेकर आ रहे हैं. इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रेप के बहाने आप कोई सनसनी फैलाना चाहते हो. बहुत अच्छे से डील किया है जैसा हमने इसमें देखा है. लेकिन इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, पर्टिकुलर लड़की का कैरेक्टर, उसकी जाति का जिक्र किया गया है, तो क्या वो कुछ मुद्दा, मतलब वो कुछ निचली जाति है या जो भी है, वो उनके वकील ने जिक्र किया कोर्ट में. ओके, हाउ शी इज प्रेजेंट करने का कारण भी है. ओके ओके ओके. राहुल स्ट्रेट हियर. यहां Rahul, a word about your character and what were the kind of emotions that went through while shooting for it? I think bahut hi difficult character hai. Aur in fact one of the jail scenes even I broke down. And mujhe lagta Richa us taraf breakdown ho gayi aur main is taraf. But yeah, it's a very difficult character to portray for an actor, because after all, you know, nobody wants to be associated even dur se with the stigma like that. But mujhe lagta hai har kahani ke kirdar hote hain, villain hote hain, hero hote hain, grey characters hote hain, aur actors ka kaam yahi hai ki apna kaam dharm se nibhaye aur jitni achhi tarike se wo us character ka portray kar sakte hain wo kare. Aur mujhe lagta hai maine wahi kiya. Rahul has portrayed that character with utmost dignity and belief. So I'm very thankful to him for that. I'm really very thankful. Thank you. Rahul, you're also from Jammu and Kashmir. How is your family out there? If you have any family out there, have you been able to establish? देखिए, मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ. हमारी कोई फैमिली वहाँ नहीं रहती. अब हम बहुत 1989-90 से ही छोड़ के चले आए, और जब लोग छोड़ते हैं तो कुछ कट्टरपंथियों की वजह से छोड़ते हैं. लेकिन कट्टरपंथी सिर्फ मुसलमान नहीं होते, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं. हर धर्म में कट्टरपंथी हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं. तो कश्मीर में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कम लोग बहुत बुरे होंगे शायद. तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई अब अगर किसी कट्टरपंथी का बच्चा भी यहाँ खड़ा हो और एक बुलेट वहां से आए, तो मैं अपने आप को उसके सामने खड़ा कर दूंगा. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, एंड आई ओनली प्रे टू गॉड कि ये जल्दी से खत्म हो जाए मामला और सब ठीक हो जाए पहले की तरह. जी, ऑल्सो वन सेकंड नितिन,
you know, there is a scene in the trailer where I think Meera's character is, you know, while interrogated by the police officer, he asks whether you are habituated to sexual intercourse or not. There is something called as the two-finger test, which although banned by the Supreme Court, is still, you know, implemented by doctors illegally. Have you touched upon the same, and what do you guys think about it? The two-finger test, as you rightly said, has been banned. And if the case history, assault history, तो जब असॉल्ट हिस्ट्री से उससे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, एक ग्रूसम डिटेल में पूछा जाता है, इट्स वेरी इन्वेजिव, ऑलमोस्ट लाइक बीइंग रेप्ड अगेन. बट व्हाट यू से देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में वो प्रूफ नहीं मिला, आपके यू नो डीएनए स्वॉब्स में नहीं मिला या फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स में नहीं मिला, तो द डॉक्टर विल राइट दैट यू नो द रिपोर्ट विल नॉट विल गो इन द फेवर ऑफ द एक्यूज्ड. सो इसीलिए उतना डिटेल में पूछते हैं ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए. और ऐसे सवाल हैं फिल्म में, देखिए तो बहुत छोटा सा आपने एक पार्ट देखा सीन का, जब आप सवाल वो डॉक्टर पूछेगा, इट्स जस्ट शॉकिंग एंड यू नो आप मैं आपको बता नहीं सकता. यू नो आफ्टर गेटिंग रेप्ड यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट इंटरोगेशन. आफ्टर गेटिंग रेप्ड दैट्स द लास्ट थिंग अ वुमन नीड्स, बट इट इज डन, इट इज इंपॉर्टेंट. आई वांट टू जस्ट आस्क लाइक through this film, are you all giving any message which could help the society? I mean, is there anything, is it like empowering or anything else? Definitely. I think the way this film dissects the law, a lot of people do not know what actually constitutes rape. Okay, I'll just give you a small example. Like the boy and a girl are going around and the boy is pressurizing her to have sex with her. She refuses, says, I'm not ready. Boy says, okay, fine, then I want to break up. You know, and in that pressure, she agrees to sleep with him. Even that is rape. A lot of people do not know that. Hmm. You know, अगर ये अगर हम इसपे action लेने लगेंगे तो 90% boyfriends jail में होंगे. Can others also throw light on this, like Richa, Akshay, and Rahul, and Meera on this particular point? Like, does it help the society? Is there? I think more than educating the audience, एक definitely एक debate चालू हो जाएगा, और एक conversation चालू हो जाएगा. और वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. आई थिंक सो. व्हाट डू यू थिंक दैट आल्सो आई थिंक इट्स गो स्केयर द मेन अ लिटिल बिट बिकॉज़ दे रियली डोंट नो यू नो दिस लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर लाइक यू नो यू डू इट एंड यू डोंट रियलाइज व्हाट यू डूइंग बट इफ यू रियली रीड द लॉ इट कैन रियली गो अगेंस्ट यू. सो इन दैट सेंस आई थिंक इट विल हेल्प मेन टू रियलाइज एंड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली मेन हु आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, दैट यू नो व्हाट दे कैन और कैन नॉट डू. In that sense, yeah, but debate definitely, you know. And you know, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, the beauty of this film is that it's going to be a very divided house. Lot of women are going to go root for the man. Lot of men will root for the women, and of course, women for women and men for men too. So in that sense, we'll start a great dialogue. Akshay and Richa, what's your take on marital rape? This film is not about marital rape at all. This is that is a totally separate subject. This has got nothing to do with marital rape. We'll take last two questions. Akshay and Richa, एक सवाल और इससे हटके, जब भी देश में कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो बॉलीवुड हमेशा आगे आता है और हेल्प करता है, लेकिन अब एक छोटा सा क्रिटिसिज्म होने लगा है कि कोल्हापुर और सांगली में जो बाढ़ आई है, बॉलीवुड सामने नहीं आ रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस बारे में कोई राय है आप लोगों की? अरे अभी देखिए, जब तक मैंग्रोव्स कटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सूखा पड़ेगा कहीं पे, कहीं पे बाढ़ आएगी. पॉलिसी चेंज, लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज ही एक चीज है जिससे ये सारी आपदाएं आना बंद होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है ज्योग्राफिकली. और जी हाँ, बॉलीवुड की जिम्मेदारी है कि आगे आए. बॉलीवुड से ज्यादा शायद उन लोगों की है जिनको हम वोट देते हैं, फिर उनको टैक्स भी देते हैं. तो मुझे लगता है कि हम बॉलीवुड को इतना बड़ा रोल मॉडल ना बनाएं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं. मतलब हम बेचारे एक्टर हैं जो ट्रेलर लॉन्च पे आके आपके सामने आए सवालों का जवाब देने. तो अभी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बाढ़, हम नहीं चाहते कि बाढ़ आए, पर हम क्या करें, अब आ रही है बाढ़, हर जगह आ रही है. पिछले साल केरला में, इस साल महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, हर जगह आ रही है बाढ़. पॉलिसी चेंज की जरूरत है,
कहीं 12 बिलियन मेट्रिक टन आइस मेल्ट होगी तो पूरी दुनिया में सी लेवल राइज करेगा. क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. जी आखिरी सवाल, थैंक यू सो मच. पूछ रहे थे. तुम्हें किसने बोला वैसे फ्री में कर लेते मैं एक्चुअली जुड़ा इस फिल्म के साथ क्योंकि मुझे अजय की जो राइटिंग थी मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ ऐसी राइटिंग थी जो मैंने कभी पहले नहीं देखा था. और जिस मैच्योरिटी से, जिस डेप्थ में जाके अपना पूरा लाइफ का और सोल का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अजय ने इस पिक्चर को लिखा है, और उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ. एंड जब आप पिक्चर देखेंगे तो आई एम श्योर आप पहचान पाएंगे कि जिस शख्स ने ये पिक्चर लिखी है, डायरेक्ट की है, बहुत ही मैच्योरिटी और कुछ वो मल्टीपली नुआंस्ड और वेरी फ्रेश राइटिंग, वेदर इट्स द डायलॉग, वेदर इट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन द कैरेक्टर्स, वेदर इट्स हिज टेक ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ, हिज टेक ऑन द जुडिशियल सिस्टम, ऑन मेनी लेवल्स द राइटिंग हैज बीन एक्सट्रीमली हाई, एंड दैट इज वॉट रियली अट्रैक्टेड मी टू द सब्जेक्ट. Thank you so much, ladies and gentlemen. Just one question, not about the film, just a fun question, Akshay, for you, because Dil Chahta Hai completed 18 years and it was trending all over Twitter recently. So I just want to know from you, you know, like if you look back, like what do you think the three characters would be today after 18 years? Where would they be headed? Just a fun question for you, as a Dil Chahta Hai fan. In fact, I always told Farhan, I said, wait till all of us are 50 plus. And then make Dil Chahta Hai too. So then it'll be fun. If you make it after 10 years, 15 years, no fun. So I think now Amir is 50 plus. Saif will be there soon. I have to take a little more time. Then we'll see. Thank you so much, ladies and gentlemen. And now for the final photo op, I'd like to invite some very important people on stage. Mr. Aditya Choksi, who's the co-producer, ladies and gentlemen. And also Mr. Murli.